हरिद्वार से विधायक और उत्तराखंड के नगर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का दावा है कि एक साल के अंदर अंदर हरिद्वार देश का नंबर वन शहर बन जाएगा, जिसके लिए काम भी जोरों शोर पर चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के चलते चुनावी सरगर्मियां भी तेज हैं। इस बीच मदन कौशिक नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बताया गया कि अंडरग्राउंड बिजली, गैस लाइन, रिंग रोड सड़क, फ्लाईओवर बनकर जल्द ही तैयार हो जाएगा, जिससे हरिद्वार देश का सबसे विकसित शहरों में आ जाएगा। कैमरा 24 के लिए हरिद्वार से सुमेश खत्री की रिपोर्ट। गैस की अंडरग्राउंड लाइन लगभग 75% पूरी हो गई है, बिजली अंडरग्राउंड शुरू हो गई है, मेट्रो के लिए पोर्ट हमारा शुरू होगा, टेंडर प्रक्रिया में ले गए हैं, रिंग रोड हमारी DPR का टेंडर हो गया है, और इस प्रकार से हमारा जो चिल्ड्रन पार्क है उसका काम टेंडर प्रक्रिया में चला गया है, हमारा योगा पार्क का काम शुरू हो गया है, हमारे चौराहों के हमने लिए पैसे दे दिए हैं, सीवर के लिए हमने काफ़ी बजट स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से बिजली है, पानी है, सड़क है, सीवरेज है, पार्क है, इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है, अंडरग्राउंड गैस की लाइन है, अंडरग्राउंड बिजली है, हमारा रिंग रोड है, सारे काम तेजी के साथ चल रहे हैं आज। और आप देखेंगे हरिद्वार चारों तरफ से आपको खुदा नजर आ रहा है, हर जगह आप देखेंगे काम चल रहा है, और अगले 1.5-2 साल में संवार कर ये देश का सबसे बढ़िया शहर बनाकर हम हरिद्वार की जनता। पिछली बार का जो 2013 का इलेक्शन हुआ था, मैं उसमें कांग्रेस के बैनर से लड़ा था, तब भी काफ़ी कम मार्जिन से मेरे अंतर रहा था मेरी हार का, और मुद्दे में सभी से मैं हमेशा से मैं इसी वार्ड का, मेरा जन्म इसी वार्ड का है और मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ, तो मैं यहाँ की जनता की परेशानियों से भलीभांति वाकिफ़ हूँ, और मेरे वार्ड की जो जनता है वो काफ़ी निम्न स्तर, बहुत लोअर था, हमारे वार्ड में जो है जनता रहती है जिनके निम्न आय वर्ग के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्या, सीवर की समस्याएं हैं और उनके रोज़गार की समस्या, मैं चाहता हूँ कि मैं जो समस्या अपने स्तर से दूर कर सकता हूँ तो मैं अपने स्तर से करूँगा ही।